हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस। मुनीरा के बारे में अपन इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जितनी डिटेल्स एनसीईआरटी में दी गई है उसके बेसिस पे वो वीडियो था। इस वीडियो में अपन थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज बैक्टीरिया और मुनीरा के बारे में देखेंगे, ठीक है। एक बार रिविज़न। बैक्टीरिया आर द सोल मेम्बर ऑफ किंगडम मुनीरा। बैक्टीरिया जो है वो सोल मेम्बर, सोल मेम्बर मतलब सेम रहता सब कुछ उनमें, ठीक है, किंगडम मुनीरा के। बैक्टीरिया ऑकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया जो है ऑलमोस्ट लगभग सभी जगहों पर पाए जाते हैं। ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, जो अपन पढ़ चुके हैं पहले, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीम हैबिटेट्स के हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस। मेनली ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। मेनली क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो स्ट्रक्चरल जो होते हैं वेरी सिंपल होते हैं, स्ट्रक्चरल के बेसिस पे बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। इनका बिहेवियर जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, इनकी उपापचय मतलब हिंदी में उपापचय जो डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब उपापचय दृष्टि से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, या भिन्नता या विभिन्नता या डाइवर्सिटी शो करते हैं। दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, अपन पढ़ चुके हैं। जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो दो होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। हेटरोट्रॉप्स होते हैं या तो डिपेंड्स होते हैं ऑन अदर, और सेकेंड होता है ऑन डेड मैटर पे, ठीक है। ये हुआ अब थोड़ा डिटेल्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर, ठीक है। जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर उसमें जो लेयर होती है उसको बोलते हैं कैप्सूल बोलते हैं, या फिर ग्लाइकोकैलेक्स बोलते हैं, या फिर स्लाइम लेयर बोलते हैं। जो कैप्सूल होता है बहुत हार्ड, अगर बहुत ही हार्ड लेयर होती है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर सेल वॉल, उसको बोलते हैं कैप्सूल और ग्लाइकोकैलेक्स। अगर वो थोड़ी लचीली या फिर थोड़ी पतली होती है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे स्लाइम लेयर। मूवमेबल होती है अगर तो उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, ठीक है, थीके? और बहुत हार्ड होगी तो उसको कैप्सूल या फिर ग्लाइकोकैलेक्स बोलेंगे। जो सेल वॉल होती है वो पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। कैप्सूल जो है वो किससे बना होता है, पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड से। प्रोटेक्ट, इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना फ्रॉम WBC से, ठीक है। जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है कौन, कैप्सूल या स्लाइम लेयर या ग्लाइकोकैलेक्स जो उसको बोल सकते हैं अपन, ठीक है, वो WBC से प्रोटेक्ट करता है। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी, कॉलोनी जो बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है तो वो कॉलोनी बनाने में हेल्प करता है कैप्सूल। अगर वो लूज होगी, लूजली कनेक्टेड होगी आपस में, तो वो स्लाइम लेयर कहलाती है। हार्ड होती है तो कैप्सूल होती है, ठीक है। कैप्सुलेटेड जो होते हैं मेनली हार्मफुल होते हैं, जो मेनली हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, कैप्सुलेटेड होते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड जो अपन पढ़ेंगे सेल वॉल, सेल वॉल जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो जीवाणु की, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो मेनली किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन जिसको बोलते हैं, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन से बनी होती है, जो कि एक टाइप का म्यूकोपेप्टाइड है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन जो कि एक टाइप का क्या है, म्यूकोपेप्टाइड है, जिसको पॉलीसेकेराइड भी बोलते हैं, ठीक। अब जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अल्कोहल से अगर उसको अपन स्टेन करें तो वो दो टाइप की, अगर वो अल्कोहल से स्टेन करने के बाद अगर वो कलर्ड हो जाते हैं पर्पल कलर में तो ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, अगर कलर लेस रहते हैं तो उनको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं उनमें जो सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है, ग्राम नेगेटिव में डबल लेयर्ड होती है। इसमें मीजोसोम जो होता है मोस्टली पाया जाता है, इसमें बहुत कम टाइप का या कम घना मीजोसोम पाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एल फॉर्म या फिर लिस्टर फॉर्म जिसको बोलते हैं। लिस्टर फॉर्म बैक्टीरिया क्या होते हैं, अगर बैक्टीरियाज की सेल वॉल को अपन लाइसोजाइम वो एंजाइम है जिसके द्वारा अपन बैक्टीरिया के सेल वॉल को रिमूव कर सकते हैं, सेल वॉल रिमूव फ्रॉम लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा अगर सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होता है, जो प्राप्त होगा अपने को वो लिस्टर फॉर्म बैक्टीरिया कहलाएगा, ठीक है। अगर लिस्टर फॉर्म जो है इसको सबसे पहले दिया था
बैक्टीरिया को, इस बैक्टीरिया को या इस टेक्निक को, मतलब सेल वॉल रिमूव करने की जो टेक्निक है वो दी थी क्लाइन बर्गर साइंटिस्ट ने, ठीक है। साइंटिस्ट क्लाइन बर्गर ने दी थी। स्पिरोप्लास्ट वो होता है अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को की सेल वॉल को अपन हटाए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को हटाए तो उसको बोलेंगे स्पिरोप्लास्ट, और अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को हटाए तो उसको बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट कई बार पूछा जा चुका है, याद रखना। मतलब ऐसे नहीं पूछता है कि सेल पॉजिटिव और नेगेटिव करके, ये पूछा जा चुका है कि प्रोटोप्लास्ट क्या है। तो अगर बैक्टीरिया के सेल वॉल को हटा दें तो सेल वॉल लेस बैक्टीरिया क्या कहलाता है, प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। फिर थर्ड है सेल मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोकैरियोट्स है बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की एक ये ही क्वालिटी है जो सेम होती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेम एज यूकैरियोटिक, जो कि लाइबो प्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो ये याद रखना, जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सेम होती है। फिर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर पाया जाने वाला मैटर या पदार्थ या द्रव्य पदार्थ हिंदी में। तो साइटोप्लाज्म में इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स अपन आगे यूकेरियोट्स में पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, स्टेरिकोला है, गॉल्जी का है, माइक्रोबॉडीज, ये जो होती है ऑर्गेनेल्स जो है मेम्ब्रेन जिनमें होती है वो एब्सेंट होते हैं। साइक्लोसिस मूवमेंट भी एब्सेंट होती है। फिर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट अंगक मतलब कौन कौन से जो एब्सेंट होते हैं वो तो अपन पढ़े, लेकिन कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक। सबसे पहले मीजोसोम। मीजोसोम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बैक्टीरिया का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना ये पूरी इसकी क्वालिटी। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सबसे पहले मीजोसोम की खोज जो है वो साइंटिस्ट एफ जेम्स ने की थी। मीजोसोम को डिस्कवर किसने किया था, एफ जेम्स ने। तो इसकी जो ये बनता कैसे है, मीजोसोम का निर्माण कैसे होता है, सेल मेम्ब्रेन इनर फोल्ड, सेल मेम्ब्रेन जो कि इनर फोल्ड से, इनर फोल्ड होती है तो इनर फोल्ड से ही मीजोसोम बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य होता है, जो कार्य माइटोकॉन्ड्रिया का यूकेरियोट्स में होता है प्रोकेरियोट्स में मीजोसोम वो सभी कार्य करता है। ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, मीजोसोम्स में ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। मीजोसोम दो टाइप का होता है, पेरीफेरल मीजोसोम और सेंट्रल मीजोसोम, ठीक है। तो पेरीफेरल जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं परिधीय मीजोसोम, ये क्या होता है, कोशिका झिल्ली के पास पेरीफेरल भाग में होता है ये, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के पास ये पेरीफेरल भाग है, मतलब आउटर भाग में होता है। इनका मेन कार्य क्या होता है, रेस्पिरेशन करना, सेलुलर रेस्पिरेशन करना होता है, और सिक्रीशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के लिए जो सब्सटेंस होता है उसको ये सिक्रेट करते हैं पेरीफेरल मीजोसोम। सेंट्रल मीजोसोम, सेंट्रल मीजोसोम का कार्य क्या होता है, ये थोड़ी सी डीप रूट मतलब डीप साइट पाए जाते हैं बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में, और इनका कार्य होता है डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करना, और हेल्प करना किसमें, सेल डिवीजन में, दोनों एक ही बात है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करना और सेल डिवीजन में हेल्प करना। पेरिफेरल का कार्य होता है सेलुलर रेस्पिरेशन और सिक्रेशन ऑफ सेल वॉल। फिर है स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है कई बार, शायद 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड, हाँ नहीं 2014 में आया था ये, ठीक है। स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, कौन कौन से स्टोरेज ग्रैन्यूल्स बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, गैस वैक्यूल्स, ठीक है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टोरेज ग्रैन्यूल्स के रूप में बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स और गैस वैक्यूल्स। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करते हैं, ठीक है, याद रखना। फिर है मीजोसोम की बात, क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी में जिसको बोला जाता है क्रोमेटिन पदार्थ, ठीक। न्यूक्लियोइड बोला जाता है, ये मीजोसोम से अटैच्ड होती है। क्रोमेटिन जो होती है, न्यूक्लियोइड जो होता है, ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि मीजोसोम से अटैच्ड होता है। ये कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट, मीजोसोम और न्यूक्लियोइड बैक्टीरिया का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, मतलब क्रोमेटिन जो बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो किसी मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता, वो साइटोप्लाज्म में खुला ही रहता है, ठीक है। कोई भी, क्योंकि इसमें कोई भी पदार्थ, कोई भी पार्ट जो होता है वो मेम्ब्रेनस नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल, वो भी मेम्ब्रेनलेस होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोलस नहीं होता, न्यूक्लियर ही नहीं होता तो न्यूक्लियोलस कहाँ से होगा। फिर है ट्रू क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। क्रोमेटिन जो होता है वो किस टाइप का होता है, डीएस सर्कुलर नेकेड डीएनए, डीएस मतलब डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर मतलब वृत्तीय गोल, नेकेड नग्न मतलब कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। डीएस सर्कुलर नेकेड डीएनए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया में कैसा पाया जाता है या प्रोकैरियोट में कैसा पाया जाता है, डीएस सर्कुलर नेकेड डीएनए, ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन कौन से होते हैं, पॉलीएमिन्स होते हैं, ठीक है। अब है प्लाज्मिड, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्लाज्मिड, आगे जेनेटिक्स और सभी चैप्टर्स में, आगे जितने भी चैप्टर्स होंगे ट्वेल्थ के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट प्रिपरेशन के लिए, मेडिकल प्रिपरेशन के लिए, उनमें सभी में यूज़ होगा प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड को लेडरबर्ग ने दिया था सबसे पहले, ठीक है। जो प्लाज्मिड टर्म है वो दिया था साइंटिस्ट लेडरबर्ग ने। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं इसको, याद रखना। प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और मतलब या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो न्यूक्लियर अपन पढ़े, न्यूक्लियर मटेरियल तो था, क्रोमेटिन मटेरियल ये था डीएस सर्कुलर नेकेड डीएनए, लेकिन इसके अलावा भी जो पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, जो कि प्लाज्मिड के रूप में रहता है। जो प्लाज्मिड शब्द दिया वो लेडरबर्ग ने दिया, ये भी सर्कुलर होता है। सेल्फ रेप्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी क्वालिटी है कि प्लाज्मिड में सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता या सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है राइबोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम जो टाइप होता है, दो टाइप के होते हैं राइबोसोम मेनली, 70S और 80S। 70S जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में होता है, 70S जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में होता है, और किसमें होता है, यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि 70S जो राइबोसोम्स हैं वो पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में और किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट का और क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। 70S के दो कौन से पार्ट में, मतलब किन से मिलकर बनाता है, 30S और 50S, ठीक। ये कंफ्यूजिंग है लेकिन इसको याद रखना, 30 और 50 80S मत करना, ठीक है। 30 और 50 70S और 60 40 80S का होता है। तो राइबोसोम पाया जाता है राइबोसोम और न्यूक्लियर में, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दो चीज़ें हैं जो कि प्रोकैरियोट में पाई जाती है और यूकैरियोट में पाई जाती है। तो राइबोसोम 70S पाया जाता है और यूकैरियोट्स में 80S पाया जाता है। फिर है पॉलीसोम, पॉलीसोम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है टर्म है। पॉलीसोम क्या होता है, mRNA के ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंस है तो जो यूनिट है वो क्या कहलाएगी, पॉलीसोम कहलाएगी। बैक्टीरिया के बारे में इतनी ही जानकारी बहुत है नीट प्रिपरेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।